बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको डॉलर रेट और रियाल रेट से अपडेट करूंगा जी। मैं दोनों में बेहतरी का सिलसिला जारी था और था, मैं बोल रहा हूँ क्यों आज का रेट आपको दिखाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, रियाल फिर भी 50 प्लस में ही जा रखा है। तो बहरहाल डॉलर रेट का आज का क्या रेट रहा ये देख लें, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँगी, जैसे जैसे नज़दीक आएगी ईद, ये दोनों चीज़ें भाई ऊपर ही जाएंगी, नीचे नहीं आने वाली हैं। बहरहाल आज का रेट देख लें, 186.75 रुपये था और आज हो चुका है 186.05 रुपये, यानी कि 70 पैसे डॉलर नीचे आया जी। लेकिन फिर वही बात करूंगा, हमें डॉलर से ज़्यादा लेन देन नहीं होती है, हमारी बात तो होती है रियाल के ऊपर। तो रियाल का रेट आप देख लें 50 प्लस में जा चुका है, यानी कि एक्सचेंज रेट की बात करें तो आपको 50.03 रुपये मिल जाएगा इस वक्त का रेट। एक्सचेंज रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, आपको बता दूं मैं, फौरी बैंक बैंक अलजीरिया की बात करें तो 49.54 रुपये हो चुका है, यानी कि 49.5 के ऊपर जा चुका है, 10 रियाल की फीस है। STC पे मोबाइल से भी आप भेज सकते हैं। तो इनका रेट है जी 49.14 रुपये और 17 रियाल की फीस है। एंड तहवील और राजी बैंक की बात करें तो इनका रेट भाई इस वक्त 48.98 रुपये, यानी कि 49 के करीब इनका रेट भी जा चुका है। और वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 49.21 रुपये ये रेट दे रखे हैं, 23 रियाल की फीस है। वेस्टर्न यूनियन के वैसे रेट हाई होता है। तो अगर बात करें मनीग्राम, उनका रेट है जी इस वक्त 48.93 रुपये, यानी कि आप 49 के करीब बोल रहे हैं इनका रेट है, 23 रियाल फीस है। एंड टैली मनी ANB बैंक की बात करें तो इनका रेट भाई पूरा 49 बताया जा रहा है। इजाज बैंक की बात करें तो इजाज बैंक वाले भाई 48.98 रुपये, यानी कि 49 रेट ही इनका भी हो चुका है। तो जो फीस है अलहदा से, वो आपको अलहदा से देनी पड़ेगी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से 49 प्लस में रेट जा चुका है। 2-3 दिन में मेरे हिसाब से 50 प्लस जरूर जाएगा।